तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते गुरुवार कल यानी कि 7 सितंबर को सिनेमाघरों में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हुई थी, जिसने अपने पहले ही दिन सिनेमाघरों में इतिहास रचा है। और आज फिल्म को दूसरा दिन चल रहा है और दूसरे दिन की कमाई शाहरुख खान की फिल्म जवान की हैरान करने वाली है। बॉलीवुड का कोई भी कितना भी बड़ा सुपर स्टार क्यों ना हो, लेकिन शाहरुख खान के स्टारडम के सामने हर किसी का स्टारडम फेल है। लेकिन दोस्तों, शाहरुख खान ने बॉलीवुड के लिए वो सबसे बड़ा कारनामा कर दिया है सिर्फ दो दिनों में, जो ना तो पहले पठान ने किया था और ना ही बॉलीवुड का आज तक का सबसे बड़ा सुपरस्टार कोई कर पाया है। लेकिन शाहरुख खान कितने बड़े सुपरस्टार हैं, इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, दुनिया भर में शाहरुख खान के कितने चाहने वाले हैं, शाहरुख खान की फिल्म जवान ने यह करके दिखा दिया है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि बॉलीवुड का किंग खान अगर कोई है तो वो शाहरुख खान है। जहां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जवान फिल्म को आज सिनेमाघरों में दूसरा दिन चल रहा है और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जवान फिल्म अपने पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे पर इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, फिल्म का हिंदी तमिल तेलुगु तीनों भाषाओं में कितना कलेक्शन रहा, ओवरसीज से फिल्म ने कितनी कमाई की और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में फिल्म पहले दिन कितनी कमाई करने में कामयाब रही और आज अपने दूसरे दिन फिल्म कितनी कमाई कर रही है, फिल्म के आज दूसरे दिन कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, कौन से शहर में फिल्म का क्या हाल चल रहा है, कितने परसेंट की ऑक्यूपेंसी है आज मॉर्निंग की और वहीं फिल्म के शो जो है उनमें से कौन से शहर में कितने हाउसफुल है, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फिल्म जवान की तो इस फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है। पठान फिल्म की अपार सफलता के बाद अगर फैंस को और हिंदुस्तान की जनता को किसी फिल्म का दिल से इंतजार था तो वो थी शाहरुख खान की फिल्म जवान। और फैंस के इरादों पर और हिंदुस्तान की जनता के इरादों पर यह फिल्म पूरी तरह से खरा उतरी है। जो भी दर्शक इस फिल्म को थिएटर से देखकर निकल रहा है वो फिल्म की तारीफें करते करते नहीं थक रहा है। यहां तक कि फिल्म ने मतलब फिल्म को क्रिटिक्स ने कल ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दे दिया था, क्योंकि क्रिटिक्स ने 4.5 और 4 स्टार की रेटिंग फिल्म जवान को दी थी। आपको बताता चलूं मैं कि एटली के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था रेड चिलीज यानी कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने। फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ ब्यूटीफुल नयनतारा और विजय सेतुपति अहम किरदार में नजर आए, तो दीपिका पाडुकोण का भी इस फिल्म में लगभग 15 मिनट का अहम किरदार हमें देखने को मिला। लेकिन अगर मैं फिल्म के बजट की बात करूं तो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है फिल्म का, लेकिन फिल्म को पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 10,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया के अंदर यह फिल्म 5,500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई है। जहां दोस्तों, आपको यह याद रहना चाहिए कि इंडिया के अंदर हिंदी तमिल और तेलुगु ये तीन भाषाओं में लगभग 5,500 यानी कि 5,500 स्क्रीनों पर यह फिल्म रिलीज हुई है और ओवरसीज से मिले हैं फिल्म को लगभग 4,500 स्क्रीने, तो कुल मिला के ये फिल्म 10,000 स्क्रीनों पर रिलीज हुई है। लेकिन हाल में बात करूंगा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म जवान ने जो अपने पहले दिन कमाई की है वो वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि फिल्म का कलेक्शन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जवान फिल्म इतनी कमाई करेगी। ये तो हम सभी जानते थे कि भाई जवान फिल्म कलेक्शन करने वाली है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जवान फिल्म की जो पहले दिन की कमाई रही वो रही पूरे इंडिया से तमिल और तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में लगभग 75 करोड़ रुपए, क्योंकि हिंदी में फिल्म ने कमाई है लगभग 65 करोड़ रुपए, तेलुगु से फिल्म का कलेक्शन रहा 4 करोड़ रुपए और तमिल से फिल्म ने कमाई 6 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के फिल्म का जो पहले दिन का इंडिया के अंदर सभी भाषाओं में नेट कलेक्शन रहा वो 75 करोड़ रुपए का रहा, तो वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा वो रहा लगभग 94 करोड़ रुपए का। ओवरसीज से हमें मुझे अंदाजा था कि कम से कम फिल्म 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कमाएगी, लेकिन दोस्तों ओवरसीज से फिल्म ने कमाई है लगभग 40 करोड़ रुपए। तो फिल्म का जो पहले दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा फर्स्ट डे का वो रहा 134 करोड़ रुपए, जो कि काबिले तारीफ कलेक्शन है। जहां दोस्तों 134 करोड़ रुपए पूरे वर्ल्ड से फिल्म जवान अपने पहले दिन करने में कामयाब रही और वहीं इंडिया का जो नेट रहा पहले दिन का वो रहा 75 करोड़ रुपए तीनों भाषाओं में। लेकिन यहां पर बात करूंगा मैं दूसरे दिन की, तो दोस्तों दूसरे दिन की जो ऑक्यूपेंसी है अगर मैं उसके हिसाब से आपको बताऊं तो दोस्तों जो आफ्टरनून इवनिंग और जो नाइट के शोज होंगे या जो नाइट की ऑक्यूपेंसी रहेगी
तो ये आंकड़े थोड़े इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मॉर्निंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई या सूरत, जयपुर, चंडीगढ़, हर जगह की अगर मैं ऑल इंडिया की आज ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो आज भी फिल्म लगभग 45% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। तो फिल्म का जो आज दूसरे दिन का कलेक्शन है वो लगभग 45 करोड़ रुपए होने वाला है, क्योंकि फिल्म की जो आज दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग हुई है वो लगभग 18 करोड़ रुपए की हुई है पूरे इंडिया से, तमिल, तेलुगु, हिंदी और तीनों भाषाओं में। तो फिल्म आज पूरे इंडिया से लगभग 45 करोड़ रुपए कमा रही है, मतलब तमिल का जो रहने वाला है आज वो लगभग 4 करोड़ रुपए रहेगा, तेलुगु से फिल्म कमाएगी लगभग 2 करोड़ रुपए और हिंदी से फिल्म कमाएगी लगभग 39 से 40 करोड़ रुपए। तो फिल्म का जो आज दूसरे दिन का टोटल कलेक्शन है वो 45 करोड़ रुपए रहेगा, तो वही फिल्म का जो दो दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 120 करोड़ रुपए हो जाएगा। जहां दोस्तों अपने पहले दो दिनों में, आपको याद रखना है कि अपने पहले दो दिनों में फिल्म जवान 120 करोड़ रुपए नेट कर रही है पूरे इंडिया से, तमिल, तेलुगु, हिंदी तीनों भाषाओं में। तो वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है अपने पहले दो दिनों का वो 220 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर जाएगा, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जवान फिल्म अपने पहले दो दिनों में पूरे वर्ल्ड में 220 करोड़ रुपए कर रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल सैटरडे है और परसों संडे, यानी कि जवान फिल्म के सबसे खास दिन, क्योंकि जो ओपनिंग डे पर कलेक्शन आपने देखा ना वो सैटरडे और संडे वो सब पीछे छूटने वाला है, क्योंकि सैटरडे और संडे को फिल्म एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। अगर मैं कल सैटरडे की अभी मतलब अभी की रिपोर्ट आपको दूं कि अभी तक फिल्म ने क्या एडवांस कर ली है, तो फाइनली गए 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग सैटरडे के लिए अभी तक कर चुकी है, और आज का पूरा दिन बाकी है, यानी कि सारे शोज जो अभी थोड़े बचे कुछ शोज है वो शोज हाउसफुल होने बाकी है। तो आप अंदाजा लगाइए कितना क्रेज है, कल सैटरडे और संडे पूरी तरह से फाड़ने वाली है फिल्म बॉक्स ऑफिस को। तो फिल्म अपने पहले दो दिनों में पूरे वर्ल्ड में लगभग 120 करोड़ रुपए नेट कर चुकी है, तो ये फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 215 करोड़ रुपए हो चुका है। लेकिन दोस्तों जवान फिल्म आपने कौन से शहर, कौन सी सिटी में देखी है कमेंट में जरूर बताइएगा।